वेलकम एवरी वन, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल. डियर लर्नर्स, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें 8 अगस्त को पेपर में मिल सकते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के. तो 2 मार्क्स के नाम जो क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन बी या सेक्शन सी कहीं भी दिखाई दे सकते हैं सेक्शन ए के साथ, क्योंकि सेक्शन ए तो डेडिकेटेड है हमारा 2 मार्क्स के लिए, लेकिन हमारे जितने भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो 2+5 के कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं. तो हम उस रेस्पेक्ट से इन क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं सेक्शन ए प्लस सेक्शन सी के लिए. आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. डियर लर्नर्स, हम जानते हैं हमें पेपर में 7 और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं. जो 2 मार्क्स है वो सेक्शन ए तो हमारा पूरा ही 2 नंबर का रहने वाला है, लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी भी हमें 2+5 के कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिल सकता है. तो अपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट सिलेबस के उनको आज हम कवर करने जा रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए. सबसे पहले जो क्वेश्चन 2 नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अरेंजमेंट का क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आया है, जैसे कि N2, N2 प्लस या N2 माइनस, O2, O2 प्लस या O2 माइनस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ या स्टेबिलिटी में अरेंज करने का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो ये आपको क्वेश्चन जरूर करके जाना चाहिए. ये 7 मार्क्स में भी आ जाता है, पिछले साल ये सेमेस्टर पिछले लास्ट पेपर में ये 7 मार्क्स का आया है, तो इस बार इसका 2 नंबर में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है. ग्रेफाइट की कोई भी एक प्रॉपर्टी, व्हाइट इज कंडक्टिंग, व्हाइट इज लुब्रिकेटिंग, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकता है. नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दिखाई दे सकता है. लैम्बर्ट बियर्स लॉ का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, लास्ट सेम में आया है. क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम का अच्छा क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, ये आपको मिल सकता है. वुडवर्ड लॉ न्यूमेरिकल आपको 2 नंबर में मिल सकता है, जैसा कि मैंने अपने लाइव सेशन में भी आपको बताया था. आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अनसेचुरेशन, नंबर ऑफ अनसेचुरेशन एंड कॉन्जुगेशन, ये 3 पॉइंट जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है. किसी भी कंपाउंड में एनएमआर सिग्नल को प्रिडिक्ट करना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि आपको पेपर में मिलेगा और सेक्शन सी में मिलने की उम्मीद इसकी ज्यादा होती है. सॉल्वेंट इफेक्ट अब 2 नंबर में आने लगा है, लास्ट पेपर में सेक्शन ए में ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया था, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पूछा था. काइरल ड्रग्स क्या होती है ये आप जरूर कवर करके जाइएगा. नर्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल तो आपको 100% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, इसके बिना पेपर पूरा नहीं होगा. सेक्शन ए में एक नर्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल हमेशा आता है. इसके अलावा चार्जिंग डिस्चार्जिंग की रिएक्शन, लेड स्टोरेज बैटरी की, 7 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से लैक्लांचे इस बार इम्पोर्टेंट लग रहा है, लेकिन आप इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन 2 नंबर के लिए करके जाइएगा. काफी टाइम से नहीं आया है, यानी कि सेक्शन सी में आपको मिल चुका है ये 2022 से ही 7 में. हालांकि वाटरलाइन या सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन के क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाइएगा. सेक्शन ए में काफी टाइम से नहीं आया है, लेकिन सेक्शन बी और सी में अभी पिछले लास्ट टू लास्ट पेपर में ये आया है. हार्डनेस का न्यूमेरिकल सिर्फ CaCO3 इक्विवेलेंट निकालने की पॉइंट ऑफ व्यू से आप करके जाइएगा, अदरवाइज ये लाइम सोडा का न्यूमेरिकल आता है तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं. एल्केलिनिटी पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसको आप जरूर करके जाइएगा. एल्केलिनिटी के आने के इस बार चांसेस हो सकते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 पेपर से आया भी नहीं है, तो इसको आप जरूर करके जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15th क्वेश्चन. कैलोरीफिक वैल्यू का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, चाहे तो वो ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला की फॉर्म में मिले या फिर थ्योरी की फॉर्म में मिले, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कितने टाइप की होती है, या फिर वाई GCV इज ऑलवेज हायर देन NCV, और एक क्वेश्चन आता है कि GCV और NCV इक्वल हो सकते हैं या नहीं. तो कैलोरीफिक वैल्यू का एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा, सेक्शन ए में स्पेशली दिखाई दे सकता है. तो फॉर्मूला अगर आया, अगर न्यूमेरिकल तो ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले पर आएगा, अदरवाइज कैलोरीफिक वैल्यू पर आता है. अल्टीमेट एनालिसिस के न्यूमेरिकल आप जरूर कवर करके जाइएगा, 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है. टेफ्लॉन या पैन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में दिख जाता है अधिकतर, कि टेफ्लॉन हाईली केमिकल रेजिस्टेंट क्यों है, या पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का आप कैटायनिक और अनायनिक पॉलीमराइजेशन प्रेफर करेंगे या नहीं. रोल ऑफ ड्राई ईथर आपको 2 नंबर में जरूर दिखेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन में, आप इसको कवर करके जाइएगा. TMS का 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई TMS
इज यूज एज ए इंटरनल स्टैंडर्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. कोई ना कोई एक डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस या तो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आ जाए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में आ जाए, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज में आ जाए. इस तरीके का एक डिफरेंस पूरे पेपर में आपको जरूर दिखाई देगा. तो ये वो क्वेश्चन है जो सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे. इनको आप कवर करके जाइए, इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टोटल 21 क्वेश्चन है ये, जो कि पूरे पेपर में 2 नंबर में आ सकते हैं आपके. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन.